सब्सक्राइब कीजिए रहमान टेक्निकल चैनल को और बेल का आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आताउर, आप देख रहे हैं रहमान टेक्निकल। चलिए आज हम मेरे सामने पड़ा है जियो का एक जियो FI राउटर, जियो FI 3। जी हाँ दोस्तों, जियो FI 3। मैं इसको आज अनबॉक्सिंग करूंगा, इसका अंदर क्या क्या पैकिंग में, इसका कंटेंट में क्या क्या मिलता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी एक जियो का सिम भी ले लिया, मैंने अपना एक लोकल में परचेस के दुकान से ले लिया एक जियो रिटेलर से, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे सामने है जियो का एक गोल डिब्बा, इस तरह के पहले जो जियो का एफआई आता था वो एक बॉक्स में आता था, मोबाइल जैसा बॉक्स में। तो चलिए इस बार कुछ नया किया जियो ने, इस गोल डिब्बा को दिया जियो FI 3 का। तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, इसका पीछे की तरफ आपको दिख रहा है एक बार कोड, यहाँ पर लिखा हुआ है IMEI नंबर, यहाँ पर अपना जो डिफ़ॉल्ट ID एंड पासवर्ड, यहाँ पर इस तरह से कुछ भी नहीं है। जियो का स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ जियो FI 3 योर पर्सनल हॉटस्पॉट। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। तो आप देख सकते हैं एक राउटर मिलेगा आपको, एक USB अडेप्टर मिलेगा आपको, एक USB केबल मिलेगा आपको, और एक बैटरी मिलेगा आपको, एक QSG एक कुछ तरह से आपको गाइड मिलेगा, एक वारंटी कार्ड मिलेगा। तो चलिए इसका पैकिंग में इस तरह से, और कुछ भी लिखा नहीं है, यहाँ पर रिलायंस लिखा हुआ है। तो चलिए मैं बॉक्स को करता हूँ अनबॉक्स। ऊपर की तरफ एक जियो का लोगो, तो मैं बॉक्स को करता हूँ अनबॉक्स। तो इस तरह से यहाँ पर सील हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हट गया, इसको मैं जियो के ऊपर चिपका देता हूँ। चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, टन टना। चलिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ योर जियो FI 3। यहाँ पर क्या का लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट योर और हॉटस्पॉट, आप हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कनेक्ट अप टू 31 डिवाइस, आप जियो FI 3 से 31 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा 2600 mAh का एक लिथियम बैटरी, तो बैटरी बैकअप अच्छा ही मिलेगा मुझे। यहाँ पर लिखा हुआ है वायरलेस शेयरिंग, आपको दिख रहा है वायरलेस शेयरिंग थॉट SD कार्ड, आप SD कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं मिनिमम 32 GB तक। तो यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर दिया हुआ है, एनेबल SD वॉइस एंड वीडियो कॉल। आपके जो 3G फ़ोन है आपके पास मगर 4G सेट नहीं है आपके पास, तो आप इस हॉटस्पॉट के ज़रिए आप 3G फ़ोन में भी कॉलिंग का मज़ा और वीडियो कॉलिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है स्वीट ऑफ डिजिटल सर्विस, आप यहाँ पर जो जियो का ऐप है वो ऐप भी आप मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेता हूँ। पहले आपको फ्रंट में आपको मिलेगा एक राउटर जो इस तरह से आता है, एक बहुत ही सॉफ्ट पैकिंग में आता है ये राउटर है, मैं इसको खोल लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिलता है जियो FI का एक राउटर, इसमें बैटरी अभी नहीं है, मुझे डालना पड़ेगा बैटरी। तो बहुत ही लाइट वेट है ये, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं बॉक्स के कुछ बारे में बताता हूँ, यहाँ पर जियो का लोगो दिया हुआ है, यहाँ पर एक LCD डिस्प्ले, आप यहाँ पर बैटरी का नोटिफिकेशन देख सकते हैं,
नेटवर्क का नोटिफिकेशन और वाईफाई का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर पावर बटन और WPS का बटन दिया हुआ है। इस तरह से USB पोर्ट आप चार्जिंग पोर्ट दिया है। इस तरह से खोलने का ये जो पार्ट है इसको खोलने का दिया हुआ है। जो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ डिजाइंड इन इंडिया, तो मैं इसको साइड में रखता हूँ अब। और कुछ कुछ यहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझ जाएगा यहाँ पर एडाप्टर है। तो इस तरह से आपको एडाप्टर मिलेगा। एक एडाप्टर का रेटिंग कितना है मैं बता देता हूँ। एडाप्टर का रेटिंग है 5 वोल्ट 1 एम्पियर। तो हालांकि ये काफ़ी मजबूत लग रहा है मुझे, बहुत ही ठीक ठाक है चार्जिंग एडाप्टर। और इस तरह से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइप का एक केबल मिला रहा, मुझे बहुत ही हार्ड लग रहा है तो मैं इसको साइड में रखता हूँ। और क्या मिलता है, और यहाँ पर मिलता है एक 2600 mAh का बैटरी। आप देख सकते हैं 2600 mAh का बैटरी यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं 2600 mAh बैटरी आपको मिलता है। ये मेड इन जापान का है। तो चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। और इसमें आपको मिलता है कुछ कंटेंट, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हटा देता हूँ। जियो 4G वॉइस, जी हाँ दोस्त, मैंने जब बोला था जियो का मज़ा भी ले सकते हैं, वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के भी मज़ा ले सकते आप इसका थ्रू। यहाँ पर जियो वाईफाई का 5 स्टेप टू बी कनेक्टेड एवरीवेयर, तो कैसे कनेक्ट करेगा यह इसमें लिखा हुआ है। इस तरह से कुछ दिया हुआ जो आपका बैटरी, आप अगर आपका बैटरी ग्रीन नोटिफिकेशन शो कर रहा है तो वो सॉलिड बैटरी मतलब आपका फुल चार्ज है। तो आप इस तरह से हल्का ब्लू टाइप का कुछ दिखेगा तो आपको जो बैटरी मीडियम टाइप का है, और जब रेड दिखेगा तो बैटरी लो है। सेम इस तरह से सेम ए भी, तो मैं उसको बताऊंगा नहीं। तो चलिए इसको साइड में रखते हो। यहाँ पर वारंटी कार्ड जियो, जी हाँ, 1 ईयर वारंटी, और एक्सरसाइज के लिए 6 मंथ, और फॉर डिवाइस के लिए 1 ईयर। मतलब ये जो डिवाइस है इसका 1 ईयर आपको वारंटी मिलेगा, और जो एडाप्टर USB डाटा USB केबल इसके 6 मंथ मिलेगा। तो चलिए इसके अंदर और कुछ भी नहीं है डिब्बा। तो आपको जियो में ये सारी चीज़ आपको मिलता है जियो FI3 में। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस सबको साइड में हटा देता हूँ ताकि मुझे इसको लगाने में, तो मैं मेरा सिम जो खरीदा है इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये मेरा सिम जियो का। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक, यहाँ पर आप बैटरी लगा सकते हैं, यहाँ पर सिम, एक सिम कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पर SD कार्ड लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे हम आपको बता देता है। आपको इस तरह से यहाँ पर एक रबर का ये दिख रहा है, इसको आपको ऊपर की तरफ खींचना होगा, जैसे ये ओपन हो जाएगा। आप सिम को इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आप नैनो कर लीजिए, ये माइक्रो सिम है, तो मैं इसको नैनो कर लेता हूँ, नैनो लगेगा। तो चलिए मैं इसको अब इसमें अंदर घुसा देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं इसको जैसे इस तरह से आप सिम को अंदर डाल दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर SD कार्ड भी लगा सकते हैं इस तरह से पुश करके। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसका जो बैटरी है मैं इसको लगा देता हूँ। अब इसका कवर भी लगा देता हूँ। ध्यान दे ये ठीक ठाक से लगाना, अगर नहीं लगे तो बैटरी हिल सकता है, डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो मैं इसको ठीक तरह से लगा देता हूँ। ये हो गया, इसका वेट अब काफ़ी बढ़ गया, तो ज़्यादा नहीं बस बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको पकड़ने से, एक हाथ में बहुत फिट हो रहा है। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। इसका ऊपर की तरफ एक प्लास्टिक है, इसको हटा देता हूँ। जी हल बिल्कुल
देख सकते हैं आप चमक रहा है। तो आप कैसे ऑन करेंगे इसको, यहाँ पर जो पावर बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करिए, जिसे लॉन्ग प्रेस करेंगे ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सब रेड है, मगर ये चेक करें जी सब कुछ ठीक है या नहीं, तो थोड़ा टाइम लेगा। जी हाँ, ग्रीन आ गया मतलब बैटरी फुल है। इसमें फोर कनेक्शन मतलब वाईफाई का कोई कनेक्ट अभी भी नहीं है, जैसा कनेक्ट होगा ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर मीडियम टाइप का जो नेटवर्क है मतलब पूरी तरह से फुल नेटवर्क मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो मिलेगा जब तो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर जब कनेक्ट होगा ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो ये हो गया ऑन। आप इसका जो पासवर्ड है इस बॉक्स के पीछे की तरफ लिखा हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे चेंज करना देख, आप इसको देखिए ये ग्रीन हो गया, मैंने लैपटॉप से कनेक्ट हो गया, मेरा लैपटॉप ऑन है तो ये कनेक्ट हो गया तो इसमें ग्रीन हो जाए। तो चलिए तो आप इसको आप इस्तेमाल करूँगा, आप चाहे तो इसको इसका जो पासवर्ड है आप यूज़र नेम पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो इस वीडियो को यहाँ पर कट करना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैंने यहाँ पर जो रेस राइट साइड में रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।